हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहेंगे। तो गाइस, आज हम आए हैं फिर से एक बार क्लैश स्क्वाड मोड में एक न्यू चैलेंज के साथ, जो कि एके गन चैलेंज। तो गाइस, आपको पता ही होगा एके में कितना रिकॉइल होता है और बहुत टफ होती है एकदम शॉर्ट रेंज में चलाने के लिए। तो गाइस, आज हम उसी का चैलेंज करने वाले हैं। तो गाइस, पहले कुछ राउंड में तो हम पिस्टल यूज करेंगे, उसके बाद गाइस अगर मनी मिला तो हम एके का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। और हाँ गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आते तो गाइस मैं वीडियो के बीच में आपको बता दूंगा आपको क्या करना है, उसे तो आपको पता ही होगा क्या करना है। तो गाइस चलिए राउंड की तरफ फोकस करते हैं। तो गाइस इधर हम आए हैं इस टायर के पास और अभी हम चढ़ रहे थे थोड़ा उसके ऊपर देखने के लिए कि बंदे कहाँ से जा रहे हैं कहाँ पर। और गाइस इधर एक बंदा आ चुका है, उसको ज़्यादा कुछ डैमेज पड़ा नहीं और ये गाइस बंदा भागा और ये छुप गया है गाइस घर के अंदर। और गाइस बंदे फाइट ले रहे उधर एल से पर, और गाइस हम इधर खड़े और देख रहे लॉन्ग रेंज के डैमेज देने के लिए। और गाइस कुछ खास डैमेज जा नहीं रहे, फिर भी हम ट्राई। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं थोड़ा आगे और देखते क्या होता है। और गाइस यहाँ पे हम उठाते एक किल गाइस को पूरा ख़त्म करते ताकि इसको कोई रिवाइव ना दे दे बीच में। ओके ये हो गया, अभी और कहाँ है बदले गाइस। ओ गाइस सरप्राइज अटैक, और गाइस इधर हमारा खेल होता है समाप्त। गाइस हम अभी थोड़ा नीचे उतर जाते ताकि इसको दिखे नहीं और कोई हमें रिवाइव कर दे उसमें में। तो देखते कोई है क्या हमारे आसपास में, गाइस कोई नहीं है अभी, क्या कर सकते हैं गाइस हम। अभी डाउन हो चुके हैं गाइस, तो गाइस इधर हम ख़त्म भी हो चुके हैं। गाइस ट्रिपल किल हो चुका है किसी का, और साथ में गाइस इधर है एडम सर विद लेवल 51 किशोर। तो गाइस देखते ये पूरा मैच निकाल पाते हैं क्या नहीं, मुझे तो नहीं लगता, शायद तक निकाल भी लो। और ये उसके पीछे एक लड़की खड़ी है और भाई को बहुत डैमेज है और वो खुद ही एलिमिनेट हो गए। तो गाइस अब जाते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ। तो गाइस हमारा नेक्स्ट राउंड लग चुका है और इस बार हम लेंगे गाइस डेजर्ट ईगल, क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया कि हम इसे चलाएंगे। तो गाइस इधर लिए हमने डेजर्ट ईगल। गाइस चलिए गाइस राउंड को अभी शुरू कर देते हैं, हम अभी जल्द से जल्द रिलीज हो जाएंगे फिर उसके बाद देखते हैं हम क्या कर सकते। और गाइस इधर हमारे किल पे सिर्फ एक ही फर्स्ट राउंड से निकला हुआ, और अभी आगे देखते हैं और कितने निकाल सकते हैं। गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो पसंद आता है तो बता दूंगा गाइस इतनी जल्दी पे। और हाँ अभी हम आ चुके हैं डबल डोर में डेजर्ट ईगल लेके कि किसी को हेडशॉट लग जाए यहाँ से। गाइस कोई भी बाहर नहीं दिखाई दे रहा और गाइस एम भी कनेक्ट नहीं हो रहा। गाइस मेरे को लगता है नीचे उतर जाने की अच्छी बात होगी। तो गाइस हम पीछे से आ चुके हैं, पीछे वाली खिड़की से गाइस हम अभी नीचे उतर जाते हैं। थोड़ा सा डैमेज लगा है पर कोई बात नहीं, गाइस हम थोड़ा क्लोज में ही चले जाते हैं उनके। और ये अटैक, और गाइस ये पीछे से किसी ये लड़के ने हम पे P90 से अटैक कर दिया, हम इधर ही ख़त्म हो गए। गाइस अभी भी किशोर भाई बचे हुए, देखते हैं क्या कर पाते। वो गाइस ओपी वॉल लगाया उस अपोनेंट ने और गाइस इधर ये ख़त्म हो गए। तो गाइस दो राउंड वो लोग जीत चुके, और गाइस इधर हमें मिलती है एक ही लेवल 2 का हेलमेट और दो मशरूम ले लेते गाइस। गाइस क्या हम क्वार्टर किल कर सकते हैं इस राउंड में, देखते गाइस क्या होता है अभी। देख अभी हम जल्दी रिलीज भी हो जाएंगे गाइस, अभी हम फटाफट जाते हैं सामने वाले घर में और फर्स्ट फ्लोर पे जाके देखते हैं क्या कोई बंदा सीढ़ियों से आ रहा है, तो हम उसे फटाफट निपटा दे वहीं पर हेडशॉट से। गाइस ये लड़की आई और इसे नॉक कर दिया हमने, और उसके साथ एक दूसरी भी आई और ये भी नॉक। तो गाइस इधर हमारा डबल किल होता है कन्फर्म फर्स्ट ब्लड
और किसी ने ग्रेनेड किया ऊपर, नीचे उतर जाते और देखते गाइस एक और वॉल लगा है वहाँ पे, मतलब और दो बंदे आ रहे ऊपर, और देखते हैं गाइस वो दोनों ऊपर चढ़ गए, और देखते गाइस इस लड़की को हम नॉक कर दिए गाइस, पूरा ख़त्म करते मेरे पार्टनर आ गया उसका। गाइस अभी इसको डॉज करना पड़ेगा क्योंकि इसके पास है M1887, इसको कंफर्म करते और गाइस यहाँ से कूद जाते हैं नीचे, घूम के जाते हैं गाइस थोड़ा ताकि उसको लगे कि वहाँ पे कोई नहीं है, और उतने में हम टपक जाए वहाँ पे उसके सामने। तो गाइस जैसा मैंने सोचा उसको लगा वहाँ पे कोई नीचे उतर गया, पर मैं स्टूडियो पे बैठा था और ये इसका वॉल भी गलत लगा है गाइस। और गाइस अब मुझे पता है ये कहाँ जाएगा, ये पक्का इधर ही खड़ा होगा हील करने के लिए, और गाइस ये खत्म गाइस क्वाड्री हील हो गया। तो गाइस मैं अभी आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। तो गाइस आपको करना है लाइक, और गाइस नीचे दिख रहे हैं सब्सक्राइब वाले ऑप्शन को गाइस आपको प्रेस करके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को उसके ऑल पे सिलेक्ट कर देना है ताकि आपसे मेरा कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो गाइस अभी चलते थर्ड राउंड फोर्थ राउंड की तरह, सॉरी गाइस फोर्थ राउंड शुरू हो चुका है। गाइस इधर भी हमें मिल चुकी है एक एके, तो गाइस एक ही उठा लेते एक एक हम ले लेते, और गाइस वेस्ट वेस्ट ले लेते थोड़ा, और एक दो मशरूम भी ले लिए गाइस हमने। ओके गाइस अभी हम फुल्ली रेडी है गाइस, तो ये हमारा राउंड होता है स्टार्ट, और ये जाके बैठते ऊपर गाइस मिड रेंज गन है ना, ज़्यादा शॉटिंग भी नहीं कर सकते वरना जल्दी हमारा किस्सा भी खत्म हो जाएगा। तो हम इधर खड़े देख रहे बंदे कहाँ से आ रहे, और गाइस इसको पड़ी सामने से, तो गाइस मैंने जूमिंग जूम आउट किया तो मेरे को बंदा दिख गया, और गाइस बंदा हो चुका है नॉक, और गाइस पट से खत्म जो किया वो। और गाइस वहाँ से एक लड़की है जो कवर लेके बैठी है, गाइस नीचे भी तो गाइस नीचे भी एक लड़की थी पर उसके ऊपर गाइस एम कनेक्ट नहीं हुआ मेरा, गाइस इधर जाके देखते और गाइस वो लड़की इधर आ चुकी है, और गाइस इसको 28 का एक लग चुका है, और गाइस फिर से नहीं लगा, और गाइस इसने किशोर को डाउन कर दिया है। और गाइस अब देखते क्या, और ये गाइस वहाँ से एक लड़की को ये नहीं क्या ही ओपी हेड लगाए गाइस 209 का, और गाइस इधर से ये लड़की आई, और गाइस इसको हमें नहीं किया डाउन कर दिया, और ये दो भी गाइस इधर भी क्वार्टर किल बनता था, पर गाइस इधर हुआ है मैजिक, और गाइस पता नहीं कैसे उसने पिलर के आर पार मेरे को गाइस शूट आउट कर दिया गाइस, पता नहीं गाइस कोई हैकर है शायद तक। तो गाइस इस बार भी हम करते एक ही, और गाइस इस बार कोई ईपी नहीं आई है तो मैंने मांग ली, तो देखो गाइस इधर एक मशरूम छोड़ दिया इस भाई ने, गाइस तो अभी हम रिलीज हो चुके। तो गाइस अभी यहाँ से जाते और देखते कहाँ से आ रहे बंदे, सॉरी बंदियाँ सिर्फ एक ही बंदा है वहाँ पे, बाकी के तीनों तो लड़कियाँ ही हैं, और देखते कहाँ है वहाँ से एक लड़की है, और गाइस क्या ही वो पेड़ लगा है इसको भी, गाइस क्या ही वो पेड़ लगा है, मतलब यार लड़का नीचे से चला गया उतने में। गाइस इन दोनों का किल कंफर्म कर लेते, ये एक गई ये भी एक गई गई, तो डबल किल हो गया, मतलब गाइस एक ही बंदा बचा होगा क्योंकि किशोर भाई ने भी एक बंदे को नॉक करके ख़त्म कर दिया, मतलब एक लड़की बची हुई है। गाइस देखते हैं वो कहाँ है, शायद तक ऊपर ही होनी चाहिए, और गाइस इन दोनों का तो इंटरनेट चला गया बीच में, और गाइस इधर वॉल लगे यानी लड़की इधर ही बैठी है। हाँ गाइस देखो आपको उसका सिर दिख रहा होगा, गाइस गेम तो कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि वॉल लगा है उसने, गाइस देखते यहाँ से हम मार सकते हैं क्या। गाइस किशोर भाई सब लोग उधर ही खड़े, और गाइस देखते नहीं लग रहा, एकदम चिपक के बैठी है। गाइस देखते हम यूएसपी से कुछ कर पाते हैं क्या, नहीं एक ही का तो लग ही नहीं रहा है गाइस यूएसपी, और गाइस ये 110 का लगा उसको, और 110 से ज़्यादा का लगा। गाइस अभी कूद ही जाते हैं अंदर भाई कितने, और ये गाइस 28 का लगते ही ख़त्म हो गई गाइस,
इसी के साथ गाइस इधर हो गया ट्रिपल किल। तो गाइस इस बार हम एक ही यूज करेंगे और एक ओरेज लैंड भी ले लेते गाइस। गाइस हमने सारी चीजें ले ली है। गाइस अभी जाते फिर गाइस राउंड शुरू हो गया। गाइस देखते हैं हम भक्तों के यहाँ पे खड़े रह के देख लेते हैं कहाँ से आ रहे हैं बंदे। और गाइस इसका इंटरनेट तो पहले ही चला गया था। और गाइस उस शॉटगन वाली लड़की ने उसको खत्म किया। और गाइस ये भागी वहाँ से। और गाइस ये इधर ये नौ को नीचे थी पर हुई नहीं। गाइस टीम अप की कोशिश बट सॉरी यार चैलेंज चल रहा था ना इसलिए टीम अप नहीं किया बट कोई बात नहीं। और ये होरज लाइन में यूज़ करते हुआ और ये इसका एम कनेक्ट नहीं हुआ मेरे पे और ये ख़त्म हो गई। शायद तक वो भी होरज लाइन यूज कर रही है कोई बात नहीं हम उसको बाद में खत्म फिर से कर देंगे। ओके गाइस तो हम अभी पूरी तरीके से हील हो गए। और गाइस फिर से कोई बंदा नॉक हो गया नीचे तो गाइस वो लड़की पूरी तरीके से रिवाइव हो चुकी थी। गाइस देखते क्या होता है। हाँ गाइस देखो गाइस रिवाइव हो गई फिर से। और गाइस इधर हम पिलर का कवर लेके और गाइस गलती से स्कोप खुल गया कोई बात नहीं गाइस ये लड़की तो मरनी ही थी। गाइस इधर भी हमारे तीन की लोग है। गाइस ये लास्ट राउंड है देखते हैं। और गाइस हमारे हो चुके 13 किल साथ ही में गाइस थोड़ी ईपी भी ले लेते हैं। गाइस ये म्यूजिक मेरे बैकग्राउंड में चलता ही रहता हूँ उसको इग्नोर कर दो ये एडिटिंग के टाइम पे मैं उसको हटा दूंगा। गाइस मेरे को तो लग रहा है वो इधर से आनी चाहिए। गाइस मेरे को तो पड़ी ओके 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 देखते हैं कहाँ है। गाइस वहाँ पे एक बंदे को उन लोगों ने कर दिया नॉक जो ऊपर आ रहा था तो खत्म कर देते। और गाइस ने किल ले लिया। तो गाइस ये लड़की आ गई पीछे से और मेरे को नॉक कर दी। और गाइस इधर होता है पूरा गेम मेरा समाप्त। तो गाइस अब बच रहे थे किशोर भाई और उनके साथ और दो बंदे। गाइस किशोर भाई क्या ही पीरो की तरह खेल रहे गाइस देख लो फास्ट बॉल। और गाइस इन्होंने भी उस लड़की को क्या ही डॉज किए फटाफट गए पीछे देखा लड़की कहाँ है और गाइस सीधा एक ही से धर दिया। और गाइस लड़की के पास भी वेक्टर थी अभी गाइस सिंगल नहीं डबल वेक्टर थी। देखते क्या होता है थोड़ा हील कर रहे ओके हो गया। और ये निकले लड़की ने डैमेज दिया पर कोई फायदा नहीं गाइस लड़की हो गई यहाँ पे ख़त्म। अभी एक ही लड़की बची है। गाइस देखते हैं वो उधर नीचे ही खड़ी होगी तो हमारे भाई भी नीचे जा रहे निकले कहाँ है लड़की। और ये रिपेयर किट नहीं मार पा रहे दोनों की वजह से। ये लड़की कहाँ है यहाँ पे भी एक मार लिया उन्होंने। और गाइस लड़की है वहाँ साइड में वो देखो गाइस वहाँ पे आपको दिख रही होगी उसका सर है वहाँ पे। गाइस ये इधर है अरे लड़की क्लोज में आ गई डबल वेक्टर है उसके हाथ में। और गाइस ये हो गई ख़त्म। गाइस वैसे लास्ट राउंड में हमने कुछ किया नहीं पर गाइस इन्होंने बहुत अच्छा खेला पूरा राउंड निकाल लिया इन भाई ने। तो गाइस इन भाई के लिए एक लाइक तो बनता है। गाइस चैनल पर पहली बार आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो गाइस टिल देन के लिए गुड बाय। और गाइस हमारा अगला चैलेंज होने वाला है थॉम्सन गन के साथ। गाइस सुनने में आया कि थॉम्सन के साथ एक नई गन स्किन भी आ रही है टाइम ट्रैवलर करके
तो उसे चलाने का भी गाइस बहुत मजा आएगा। तो गाइस टिल देन के लिए गुड बाय।